आपके सामने पेश हुए हैं पूजा मोबाइल सीसीटीवी दोनों रेंज लॉन्च करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश मार्केट में, जैसे कि हम सबको पता ही है, आइडिया भी है और हम शुक्रगुजार भी हैं कि उषा एक एस्टेब्लिश नाम है कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। 3 से 3.5 महीने से पहले कई राज्यों में लॉन्च कर चुके हैं। अभी उषा फीचर फोन के साथ एंटर कर चुका है मार्केट की NJ 3, 4 और 5। 2.8 के अंदर हमने एक रेंज का नाम दिया NJ 6। एक जो खास कोशिश हम लोगों ने करी है उसके अंदर हमने कोशिश किया है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस हमारे बैटरी की परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर हम लोग बेसिक आईडी भी देखेंगे तो 2500 mAh के साथ बैटरी आती है जो 7-8 दिन से लेकर 12 दिन तक। तो बात करें तो हमने एक डॉकेट चार्जर दिया है जो चार्जर कम स्पीकर के तरह काम करता है। और 1.8 के अंदर हमने एक उसकी जो फील है, क्लासिक जो लुक है, वो इतनी हैंडी दी है कि उसके अंदर ग्रिप आ जाती है। कुछ ये हमारी हर आईडी के साथ है। इसके साथ अपने ब्रांड की जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी यूजर्स के साथ है उसको और अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमने एक स्कीम दी है उषा एश्योरेंस करके। इस फोन लेने के बाद कुछ टाइम के बाद एक निर्धारित सर्विस टाइम के अंदर अगर उसका फोन टूट जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डैमेज कितना हुआ है, किस वजह से हुआ है, पानी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, वो यूजर बाद में अगर चाहता है कि हुआ हो वहां जाकर पुराना फोन वापस दे सकता है और एक नॉमिनल सा जो प्रीस्क्राइब्ड अमाउंट है जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है उसको देके, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 है कॉस्ट का, वो देके अपना नया स्वैप फोन 1 घंटे के अंदर लेके जा सकता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसके अंदर हम लोग किसी थर्ड पार्टी बाद में आने के अंदर भानेबाजी हुई। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कंपनी की खुद की है। और किसी भी वजह से अगर फोन को वो स्वैप नहीं कराना चाहता है और रिपेयर कराना चाहता है, 1 घंटे के अंदर स्वैप होकर चला जाएगा। कुछ इन चीज़ों के साथ हम लोग मार्केट में उतरे हैं और ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि यूज़र जो हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट उसने हमारे साथ रखा है इतने सालों से पीछे, वो आगे हमें इस मोबाइल जिसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स भी काफ़ी हैं मार्केट के अंदर, जो प्राइस ब्रैकेट रखा है हमने वो 4,500 से स्टार्ट करके 5,000 और 10,000-12,000 के बीच में ही रखा है, जिसका एक सबसे ये यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए फ़ोन को, इसमें भी बैटरी के ऊपर फोकस ज्यादा है। अगर जैसे हमारा पहला फोन जो RA1 सीरीज है, जो बेसिक आईडी है, दैट कम्स अप विद 4000 mAh बैटरी, दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड इस रेंज के अंदर। लेकिन उसका लॉजिक ये होता है, अगर आप फ्रेम देखेंगे, कोई भी आप एक पिक्चर क्लिक करते हैं तो शुरू की पिक्चर क्लियर आ जाती है, पीछे की ब्लर्ड हो जाती है। डुअल कैमरा होने से वो जो पूरा फ्रेम है दैट बिकम्स ऑलमोस्ट क्लियर, बट उसके अंदर क्वालिटी उसकी बेस्ट देने की कोशिश है कि बेस्ट क्वालिटी मिनिमम जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग स्लैब है उस किस्म की आईडी का विद इन दैट ब्रैकेट वो सेट हो जाए। इसमें से क्वेरी या कुछ सवाल कुछ करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कुछ अगर क्वेरी है कुछ पूछना चाहिए आप और हम भी आज सीसीटीवी लेना चाहें तो हमारे पास कोई एक आइडेंटिफाइड या ऑर्गेनाइज चैनल नहीं है जहां से हम सीसीटीवी ले सकते हैं। इसी कंसेप्ट के अंदर नया मार्केट डेवलप करने की बजाय हमने मोबाइल इंडस्ट्री को सीसीटीवी डिस्प्ले के लिए वन ऑफ द एक यूनिक डिस्प्ले हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको हम EUUP एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम के अंदर डिजाइन किया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। एक बेसिक गैप रहता है सीसीटीवी का ले, इन केस हम लोग रेफरेंस से या किसी जानकारी से कोई एक बंदा मार्क आउट कर भी लेते हैं कि सीसीटीवी यहां से हम ले सकते हैं, तो ऑलमोस्ट वर्चुअली रहता है उसका डिस्प्ले, वो एक वर्चुअली ही प्राइस रेंज। अगर मेरी रिक्वायरमेंट कोई 2,500 रुपए कैमरा की है और बेस्ट कैमरा अगर सपोज 50,000 रुपए का है तो वो ले नहीं पाएगा और वो उसको देगा तो भी उसके यूज नहीं आएगा। तो हमने एक डिस्प्ले तैयार किया है जिसके अंदर उस काउंटर के ऊपर यूजर एक्चुअल लाइव एक स्ट्रेट अवे एक थोड़ा सा एंगल टर्न करके वहां उसको ये एक रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन का जो गैप है वो जीरो हो जाएगा। उसको सामने नजर आ रहा होगा कि मेरे को कैमरा जो मेरे घर पे या मेरे सर आके 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, बिकॉज वहां पे एक एंगल भी समझ में आता है कि कैमरा का विजर कितना होता है,
एक कैमरा अगर सपोज इस हॉल में लगना है तो देखेगा कितना, कितने क्लैरिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल गेट के ऊपर माइक ड्राइवे के अंदर शायद कम क्लैरिटी का चाहिए, तो ही कैन टेलर मेड दैट पैकेज और अपने हिसाब से वो डिसाइड करके पसंद कर सकता है। इसके अंदर भी जो इंस्टॉलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी खुद ले रही है, इंसुलेशन भी कंपनी खुद करेगी और दो साल तक होम सर्विस भी सीसीटीवी पार्टली या पार्शली या कंप्लीटली बंद कभी नहीं होने देंगे, सो दैट सिक्योरिटी लैप्स कभी ना। ये दो रेंज है हम लोगों की जो सीसीटीवी और मोबाइल फीचर फोन में स्मार्टफोन जो हम लॉन्च कर रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से इतना हम करने की कोशिश करेंगे, बट एक चीज श्योर है कस्टमर को सर्विस सेंटर जाने के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना पड़ेगा वो नियर टू हिज और हर अवेलेबिलिटी, जहाँ पे वो इजीली सर्विस करा सकता है वहाँ पर होगा। हिमाचल हमेशा से हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट। हम लोग बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ हिमाचल में आए हैं। जो आईडी हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं और टायर 1, 2, 3 तीनों सेगमेंट के लिए हैं हमारे पास। तो हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि हिमाचल में जो रिस्पॉन्स रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आईडी और अपने ब्रांड वैल्यू की बेसिस पे हमें मार्केट शेयर बहुत जल्दी मिलेगा। मैं और आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि जितना ज़्यादा आप हमें प्यार और मार्केट शेयर दे पाएँ उतना अच्छा। सर किस तरह देखते हैं मेक इन इंडिया की, आपने बात की तो उसकी तरह मेक इन इंडिया को हम मेक इन इंडिया के तरीके से ही देखते हैं, 100% स्वदेशी होने का इरादा और विचार रखते हैं। हिंदुस्तानी ब्रांड है, हिंदुस्तानी सर्व कर रहा है, पिछले 50-100 सालों से हम लोग मार्केट के अंदर हैं। बाकी अदर प्रोडक्ट की तरह भी हम फ़ोन को 50-60% तो आज भी बना रहे हैं। जैसे ऐसे यूज़र सपोर्ट आता जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग कोशिश करेंगे 100% मार्केट मेड इंडिया को ही दे पाएँ फ़ोन मार्केट को। सर किस तरह देखते हैं सीसीटीवी कैमरास भी आपने जो है लॉन्च जी? सीसीटीवी सिक्योरिटी कंसर्न है एक्चुअली, तो मैं इस मार्केट को बहुत अनऑर्गेनाइज और वैक्यूम तरीके से देखता हूँ, और इसी उद्देश्य से हम लोग लाए हैं कि यूज़र को सिक्योरिटी भी मिल जाए, अच्छा कैमरा रेंज जो उसको एक्चुअल नीड है और सही चैनल से मिल जाए विश्वासवाद, ताकि कल को सर्विस का भी अगर उसको क्वेरी रहती है या कोई ज़रूरत है तो टाइम पे उसको सर्विस मिलती है। तो इंश्योरेंस की बात भी आपने फ़ोन के साथ की, उषा एश्योरेंस हम लोग एश्योरेंस दे रहे हैं इसको, इंश्योरेंस नहीं कहेंगे, इंश्योरेंस होते ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और मैं यूज़र को एक जो कमिटमेंट किया है वो फुलफ़िल करना चाहता हूँ कंपनी के बिहाफ में, बात कह रहा हूँ। अगर फ़ोन बाद में टूट जाता है और यूज़र चाहता है कि उस फ़ोन को स्वैप कराना है, टूटा हुआ फ़ोन बिना किसी क्वेश्चन पूछे, बिना कोई सवाल के, बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, हम एक घंटे के अंदर नया फ़ोन एक प्री डिस्क्राइब्ड अमाउंट पे उसको दे देंगे। तो किस तरह देखते हैं कि मार्केट में पहले ही फ़ोन की काफ़ी रेंजेस चल रही हैं, किस तरह आप कंपटीशन जो है इसमें देखते हैं? कंपटीशन कभी भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है, हमेशा से कंपटीशन एक अलग सेगमेंट है। हमें अपनी आईडी, क्वालिटी, प्राइस फैक्टर, ब्रांड वैल्यू और यूज़र सपोर्ट पे पूरा भरोसा है। कंपटीशन रहेगा, हम लोग भी अलर्ट रहेंगे, मार्केट को अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे, यूज़र को पसंद आने लायक चीज़ देंगे, और अपना मार्केट शेयर जो हमारा हक बनता है वो यूज़र हमें देगा, यही उम्मीद है। थैंक यू। इधर आप इधर और दो लोग Thank you.
थैंक यू।